हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं सर। बस 2 मिनट लूंगा, जस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माय साइड। ओके सर, टेंशन में हो प्लीज थोड़ा देर टेंशन को साइड रखो, रिलैक्स हो, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग एफआर की प्रिपरेशन कल से स्टार्ट करने वाले हो या परसों से स्टार्ट करने वाले हो। सर देखो, टेंशन में कुछ प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा काम रखे ना, आराम से पढ़ाई करो, और जितने इन डेज आपको इंपॉर्टेंट वाले ना पहले वो निपटा लेना, छोटे वाले करके पहले इंडियस इंपॉर्टेंट वाले निपटाते जाना, ठीक है? सर इंडियस की बात नहीं करूंगा बेकार में, ठीक है? सर टाइम है, बीत जाएगा, ठीक है? जितना आपने पढ़ा है ना सर, बेस्ट दे के आना एग्जाम में, कसम से बता रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ा है ना, बेस्ट दे के आना। मैं खुशी के मारे जब रिजल्ट आया था ना, मैंने 3-4 कुर्सियां तोड़ी। सामने वाला डर गया, भाई ये फेल कर गया। फेल नहीं, खुशी के भी ना आंसू गुस्सा एक होता है, ठीक है? तो देखो सर, टाइम है, निकल जाएगा। दिसंबर में भी पेपर दे रहा था, सब बोलते थे निकल जाएगा, बट हाँ प्रेशर आता है यार, प्रेशर आता है। बट यही है कि हम, मैंने भी सोचा हाँ टाइम है यार, एग्जाम मेरा भी आएगा, एग्जाम मैं भी दूंगा, रिजल्ट मेरा भी आएगा, पास फेल मैं करूंगा, गिरूंगा उठूंगा, पास किया तो लगे रहूंगा इसमें ही। और मैंने देखो सर, मैंने ज्यादा रेस्ट भी नहीं किया, मैंने लगता है एग्जाम आते ही मैंने ना जस्ट क्लासेस स्टार्ट की और मैं लगा रहा इस पे। तो मैं यही बोलूंगा ना कि अब देखो कुछ भी आए ना, देखो पास भी कर जाओ फेल कर जाओ, अपना जो हमने गोल बना रखा है ना, बस उस पर लगे रहना, हमेशा लगे रहना। सर आज मैं बताता हूँ, आज मैं सीनियर बोल लो आप, चलो मैं तो उनको भैया ही बोलूंगा, ठीक है? आज मैं उनसे मिला सर, लिटरली आई फील सम गूज बम्स। मतलब कहते नहीं है कि आप सीए को कितना भी छोड़ना चाहो कि आप छोड़ दो सीए को, छोड़ दो सीए को, बट कहीं ना कहीं है ना सर, आपके मन में आएगा नहीं यार, एक बार और करते हैं इसको और खत्म करते हैं। सर आपके मन में आएगा ही आएगा। तो मैंने ज्यादा इस चीज में, मैं खुद डीप गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना सुना ना, लिटरली आई ऑलवेज फील गूज बम्स सर। जैसे वो बोलते हैं, या मान लो बहुत, मैं 2-3 स्टूडेंट से मिला या 2-3 सीनियर से मिला सर, वो इनका एक ही रहता था यार, मन करता था पहले सीए छोड़ दूँ, फिर मन का नहीं यार करता हूँ। असल उसमें सच बता रहा हूँ, सब अच्छे नंबर से पास करके सीए बने थे। तो मेरे लिए भी वो भी एक मोटिवेशन था। ऐसा नहीं है मेरे लिए रैंकर ही मोटिवेशन है, या सिद्धांत मंडारी इज वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिवेशन कि क्लियर किया मैंने सीए एग्जाम, बट मेरे लिए 2-3 सीनियर और थे जिन्होंने अटेम्प्ट लगने के बावजूद सर गिर के उठ के और सच में सीए क्लियर किया। उनके दिमाग में बहुत आया, उन्होंने मैं शेयर भी किया यार छोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, बट कहते नहीं है फाइनल, देखो इंटर और फाइनल ऐसा चीज़ है ना, आप एक बार अंदर कर गए ना सर, तो कसम बताता हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को, कोर्स को छोड़ना। मेरे को लग रहा था इस अटैम्प्ट में आएगा, अगर मेरे को लगा मेरे को इस अटैम्प्ट लगेगा ना, तो मेरे को लगा कि चलो बुरा तो लगेगा, मेरे को डीटी में डर था बुरा तो लगेगा ही, बट मैं फिर से उठूंगा यार, करूंगा यार, इतना लगाया एफर्ट है, जान सब कुछ झोंक देते हैं हम लोग इसमें, पता है हमें दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है? तो उनका भी मैंने सुना यार, मेरे को पक्का यकीन है कि वो इस एग्जाम में ना वो क्लियर करेंगे सर, आने वाले जो भी एग्जाम है ना उसमें वो पक्का क्लियर करेंगे। मेरे को उनको देख के सर, कहते नहीं है सीए स्टूडेंट के जो दिल में आग या आंख में आग दिखता है ना, वो क्लियर करने से पहले वाला दिख जाता है, ठीक है? तो सर बस उसी आग को जगाए रखना, और ये अटेम्प्ट आपका है सर, कोई नहीं छीन सकता आपसे, याद रखना। और कुछ बोलूंगा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, कोशिश करना कि ये सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दो, अपने अभी तक अवॉइड नहीं किया है तो कुछ दिन के लिए अवॉइड कर देना कम से कम। एग्जाम प्रेशर बहुत उबाल है, थोड़ा चिल रहना, स्टार्टिंग 2 पेपर अच्छे से देना, ठीक है? गुड लक एग्जाम्स के लिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। सर सही बात है, यू हैव वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जाम्स, सो गिव योर बेस्ट एफर्ट। सर रिजल्ट्स को छोड़ दो, महेंद्र सिंह धोनी जी ने कह रखा है कि रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे आउटकम नहीं आएगा, ठीक है? तो रिजल्ट्स को सोच दो, अपने प्रोसेस को पूरा ध्यान दो, जितना अच्छे से प्रोसेस को ध्यान दे सकते हो ना, फुल एफर्ट से प्रोसेस ध्यान करो। कोशिश करो कि 5 बजे तक सेंटर में बैठने का। सर एक तो वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क होता है कि फाइनल्स में, मैं ये पर्सनली देखा हो ना कि मैं पोस्टिंग और मैं डीटी और मैं लॉ का एग्जाम दे रहा था और पीछे से स्टूडेंट्स निकलना चालू कर दिए। ये गलती मत करना यार, तुम 5 बजे तक बैठो, नहीं आ रहा है ना तब भी बैठो, दिमाग लगाओ जो लगा। देखो जिसने नहीं पढ़ा छोड़ दो, जिसने पढ़ा है ना, मैं जिसने पढ़ा है ना, मेहनत किया ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। बैठो, 5 बजे तक बैठना है तुम्हें सेंटर पे, और कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको डील करना। सर मैं बताता हूँ, मैंने इतने क्वेश्चन नहीं भी आते थे ऑडिट में, मेरे को 10-15 मार्क नहीं आते, बट मेरे को सब जो स्टोर मैंने अटेम्प्ट किया वहां पर मेरे को 1.5-1 मार्क्स मिले। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश बोलूंगा आपको यही कि एग्जाम में लास्ट मिनट तक बैठना। सर कहते नहीं है जो जंग के मैदान को छोड़ के चला जाता है वो बुद्धिल होता है, ठीक है? तो आपको वो नहीं बनना है, आपको लास्ट मिनट तक बैठना है, और आपको एफआर के पेपर्स लेके आईडीटी के पेपर्स से बैठना है, ठीक है? चलो ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा सर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, और एग्जाम के बाद पक्का मेरे से आप कॉन्टेक्ट करना, जिसके भी एग्जाम्स अच्छे जाएंगे बताना सर,
कि मैंने भी अपना एफर्ट लगाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू तो जस्ट पढ़ के आया यार, तू पढ़ाना चालू कर दिया, अभी टाइम लगेगा। ये ठीक है, लगने दो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टाइम, मैं चाह रहा हूँ टाइम लगे, मैं आराम से धीरे 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 बढ़ूंगा, बट मैं इसमें इंगेज हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके फीडबैक आएंगे तभी मैं कुछ और इम्प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है? तो आप फीडबैक देते रहना, जैसा पॉजिटिव निगेटिव, मेरे को अच्छा लगता है, दोनों सुन के मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो और टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? टाइम है, ये भी जाएगा, 15-20% रिजल्ट में आप हो गए अगर आपने पूरा एफर्ट लगाया है तो, ठीक है? तो बेस्ट एग्जाम देना सब, बेस्ट बैठ के देना, आग लगा देना सब, मई 22 में आग लगाना है आपको। चलो ऑल द बेस्ट सर, मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद। बीच में मैं कोई वीडियोज नहीं करूंगा फाइनल्स वाले के लिए, ठीक है? एडिशनल सोचा था कि मैराथन, बट मैं ये सब नहीं करता, ठीक है? तो आप जिसके मैराथन देखना हो देखना, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप अपने नोट से जो पढ़ना हो तो पढ़ना, और एग्जाम के बाद सर, एग्जाम के बाद मैसेज और करना, ठीक है? कि आपके एग्जाम्स कैसे गए, जिसने भी एमसीक्यू पढ़ा, रिवीजन किया या क्लास की मेरी, ठीक है? एग्जाम के बाद पक्का सर मिलते हैं, एग्जाम तक मैं भी खुद आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ना भी आप ये सब में एंगेज हो, ठीक है? अगर अच्छा एग्जाम जाए, बुरा जाए, जैसा जाए, ठीक है भाई, यहीं पे है, मैसेज कर देना। बहुत सारे लोग मिलते भी ऑफिस में आके, तो मैं पर्सनली मिलता हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत लेना यार, जैसा जाए शेयर करना, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद, बेस्ट ऑफ लक।